हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक्सप्लोर टू इंजॉय। भाई मौसम देखो ज़रा, आज है मेरा एग्ज़ाम और आपने पहली बार मेरे ब्लॉग्स में अपने 20 को देखा होगा। ऐसे तो मैं हमारे चला रहा था लेकिन मैंने आज इसको चलाने के लिए निकाला है बहुत दिनों बाद। ठीक है, आज भाई दिल्ली में है लॉकडाउन लग रहा है, सभी को पता है, वीक पूरे हफ्ते भर का। आज है फ्राइडे, ठीक है, तो हम जा रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम है भाई, इसको देने जा रहे हैं। अब देखते हैं रोड पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं, कहाँ कहाँ बैरियर लगे हुए हैं, कौन कौन रुकवाता है, कैसे कैसे है, तो सब चीज़ का टिक करके फिर उसके बाद वो दिखाता हूँ बाकी सारी चीज़ें। ऐसे चेकिंग तो हर चीज़ है, आप लोगों ने देखा अभी दिल्ली पुलिस का पूरा शिविर लगा हुआ था चेकिंग करने के लिए। हर किसी को रोक रहे हैं, ये मतलब हर किसी को नहीं रोक रहे, जो दिख रहा है रोकवाने वाले पर्सन उनको रोक रोक के चेकिंग कर रहे हैं। हाँ तो मेरा एग्ज़ाम था भाई, देखो अब मेरा एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हुआ। इससे पहले मेरा एक और एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं हुआ, तो देने तो जाना ही था ना। तो हम जा रहे हैं अभी रामा रोड, ये है आपका कीर्ति नगर के पास। ठीक है, अब भाई हम कीर्ति नगर के पास चलते हैं और रोडों का जायज़ा लेते हुए चलते हैं। वैसे तो खाली रोड है भाई, मज़ा आ रहा है और ऊपर से मौसम भी सुहाना है, मस्त वाला मौसम हो रहा है। हम चल रहे हैं अपन 70 पे यूज़ करते हुए, एकदम मस्त वाला सुहाना मौसम हो रखा है। और हम बहुत गए पश्चिम बिहार, उसके बाद लगेगा हमारे को 3 से 18 मिनट, यहाँ से 15 से 18 मिनट लगेंगे हमारे को रामा रोड पहुँचने तक। और पापा जी बैठे हैं सब पीछे, हम जा रहे हैं दोनों। एक्चुअली पापा जी फिर ऑफिस तो बोले कि मैं फिर चल लेता हूँ गाड़ी लेके क्या जाऊँ, कितने पैसे का मैं ऑफिस हो आऊँगा। ठीक है चलो दोनों जा रहे हैं अपने काम से, बदने जा रहा हूँ, पापा जी अपना ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, हम के लिए भाजी को मेरे भाई ये मत सोचना कि हम ऐसे घूमने के लिए वीडियो बनाने के लिए, नहीं भाई मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, लास्ट में दिखा भी दूंगा मैं जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम है, मैं फिर दिखा भी दूंगा आप लोग। और पापा जी को तहजीब से जाने ही है ऑफिस, आज उनका डे है जाने का, क्योंकि 50% स्टाफ को बुलाया जा रहा है ना, तो आज उनका डे है जाने का। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं भाई ऑर्डिनेंस डिपो की रेड लाइट पे, मतलब पंजाबी बाग ऑलमोस्ट। ट्रैफिक तो अभी भी है यार, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं हो रहा। ठीक है, 10 सेकंड 9 सेकंड, लेकिन भाई एक चीज़ का मज़ा आ रहा है, आज मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। ठीक है, और चलाने में भी मज़ा आ रहा है। तो जब मौसम सुहाना होता है ना, तो भाई बाइकिंग करने का मज़ा ही अलग आता है इस मौसम में, मतलब डर जाते हैं ना, तब ऐसा मौसम मिलता है बीच रास्ते में। ये आपका जवाहर टनल तक ऐसा मौसम मिलता है, तो मज़ा आता है भाई राइड करने का ना, मस्त सीन हो जाता है एकदम मस्त मौसम। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ भाई, मेरे पास ना लद्दाख का पूरा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर बोलोगे तो मैं उसको एडिट करके, मतलब वॉइस ओवर करना पड़ेगा भाई, वॉइस ओवर नहीं मतलब उसमें वॉइस नहीं है रिकॉर्ड। ठीक है, उस टाइम हम इतने प्रोफेशनल नहीं थे, ना ही वीडियो रिकॉर्ड करते थे, लेकिन ये प्रोफेशनली तरीके से नहीं करते थे। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताना कि उसको वॉइस ओवर करके आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं, मेरे को बता देना, मैं उसको वॉइस ओवर करके मैं आप तक, और इस बार देखोगे ना तो खरीदूंगा आप लोग, देख के भोचक के रह जाओगे। पता है इतना खतरनाक सिचुएशन थी खरीदूंगा पे, इतनी तगड़ी बर्फबारी हो रही थी। हाँ तो मैं वही बात कर रहा था, मेरे को बता देना, मैं अभी आप लोगों का सस्पेंस भी तोड़ के फाल दूंगा, आप लोग उसको देख करके तभी इंजॉय करना,
बता रहे हो भाई कि चाहते हो या नहीं वो लद्दाख सीरीज देखना, उसमें क्या था ना, मेरे चाचा जी ने कैमरा लगाया हुआ था हेलमेट पर, ठीक है, माउंट तो ठीक ही हो गया था, वीडियो भी सही आ रही है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी, खाली वीडियो के पर्पज़ के लिए हमने लगाया था। फिर उस टाइम इतना हमारे को क्रेज था नहीं कि बहुत यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, पता तो था, सब चीज़ें बता दी, ठीक है भाई, लेकिन इतना वो नहीं था, वो सीन था। लेकिन अब थोड़ा सा मैप को भी थोड़ा सा ना लक लग गई है, मैप दिखाने के लिए लाइव दिखाना आप लोगों को कि मैं कैसे कैसे अपने देश आता हूँ, कैसे कैसे अपनी राइड पे जाता हूँ, ठीक है, ये सब, और कैसे कैसे मैं लॉन्ग राइड मारता हूँ। तो Airbnb वाली बात भाई अपने धंधों मस्त चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब हमें भाई हवा बहुत तेज चल रही है कसम से, अगर थोड़ी सी आवाज़ में ब्रेकेज आ रही होगी तो भाई थोड़ा सा समझ सकते हो आप लोग की, मैं तो अपनी तरफ से लैंड गुड करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई लोग। अब हमें यहाँ से लेना है राइट, तो भाई साहब हम पहुँचने वाले हैं करमपुरा, ठीक है, हर जगह भाई पुलिस तैनात है, मतलब स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा माहौल, और रोड्स भी सारे खाली है, एम्प्टी रोड्स हुए हुए हैं दिल्ली के। भाई आप चेक आउट करो, ऐसा कम कर चला रहता था यहाँ पर ट्रैफिक का, और आप देखो कितना खाली है, अगर दिल्ली ऐसी हो जाए तो भाई साहब मज़ा ही ना आए गाड़ी घोड़ा चलाने का। धीरे धीरे चलते रहो मगन हो करके, मस्ती में मौसम के साथ साथ मज़े लेते हुए। जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे रामा रोड DLF सिटी के बारे में, मतलब DLF के ऊपर फ्लैट्स वगैरह है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई है, वहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा था, ठीक है, तो हम वहीं की तरफ निकले हैं पेपर लेने के लिए। मैं देख रहे हो ये सारी मार्केट है, कार मार्केट्स, सेकेंड हैंड मार्केट्स, सेकेंड हैंड कार मार्केट है, ये सब डील करते हैं सेकेंड हैंड कार में, ठीक है। देखो लॉर्ड जी के वही दिखाई देगा आपको कार्स की मार्केट, यहाँ से लेकर बिल्कुल आगे तक कार्स मार्केट है, और मेरे राइट में ये पैट शॉप्स हैं, यहाँ पर कुछ राइट में आने वाला है कीर्ति नगर का मेट्रो स्टेशन, ये रहा मेरे राइट में कीर्ति नगर का मेट्रो स्टेशन, और हम यहाँ से नीचे उतर के वहाँ जाएंगे रामा रोड की तरफ, इंडिकेटर दे दूँ नीचे के लिए, हाँ सेफ एंड साउंड चलो हर चीज़ को देखते हुए, ठीक है। हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट, ये हो लिए हम लेफ्ट, और भैया पहुँच गए हम अपने सेंटर पे, देखो ऐसा सा कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें भीड़ वाला। तो भाई आप चुके हम पेपर दे के अब जा रहे हैं घर पे वापस, अभी बज रहे हैं 2:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, 2:40 है एग्जाम छूटा था मेरा 2:40 के आसपास, हाँ 2:40 के अराउंड हो रहा होगा टाइम, चलते घर पे भूख लग रही है मॉल वगैरह की, अपन को जाना है राइट।
कर ले। खाली बड़े रोड सारे खाली, तो ये ऐसी भीड़ रहती थी यहाँ पे, पूछो मत, इतनी ज़्यादा भीड़ कभी भी आ जाओ जब मर जा दो, यहाँ इतना ट्रैफिक रहा करता था। ये पूरा का पूरा पैक रहता था, वो आगे डिवाइड वो बना हुआ है रेड लाइट सेंटर तक नाले के ऊपर जो पुल बना हुआ, वहाँ तक पूरा का पूरा जाम ट्रैफिक लगा रहता था। ये यहाँ पर इस लोकेशन तक पूरा जाम रहता था ट्रैफिक पूरा। हमें यहाँ से जाना है राइट पिरागढ़ी की तरफ। अंदर वाले बंदों के लिए रेड लाइट थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये भाई साहब सारे हॉस्पिटलों की हालत ख़राब है कोविड के चक्कर में। चेकिंग हर तरफ चेकिंग। चलो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, एक्सप्लोर टू एंजॉय। ठीक है भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए।